हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं बहुत ही कम टाइम में। जनरली जो गाजर का हलवा बनाते हैं ट्रेडिशनल में, तो वो 3 से 4 घंटा टाइम लेता है, पर ये वाला गाजर का हलवा बहुत ही कम टाइम में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं, किस बात की देरी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक पैन, उसमें आप करीबन ले लें 2 से 3 स्पून घी के। जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट हो जाता है, उसके बाद आपको डालना है इसमें करीबन 1/2 किलो गाजर। तो इस गाजर को मैंने घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद घी में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। जैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्टर कर लीजिए अच्छे से। जैसे ही घी और गाजर अच्छे से मिल जाता है, उसके बाद आपको इसके ऊपर एक लेड लगा के कवर करना है और करीबन 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे कवर कर लीजिए। जैसे ही कवर करके आप 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप निकाल के देखिए और जो कैरेट है वो कुक हुआ है कि नहीं ये देख लीजिए। उसके बाद अच्छे से स्टर करने के बाद करीबन 1 ग्लास दूध उसमें डाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1/2 किलो गाजर के लिए 250 ml मिल्क इसमें डाला है। डालने के बाद इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए और फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रख के इसे हीट होने दीजिए। जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा, उसे अच्छे से स्टर करते रहिए। तो हम उबाल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उबाल आ रही है, तो इसे अच्छे से स्टर करते रहिए ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। 1 इलायची को मैंने कूट के इसमें डाल लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद फिर से आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, तो इसी बीच में हम लोग थोड़े से काजू ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मुट्ठी भर काजू ऐड किए, आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे, ये बहुत ही आराम से पास में आता जाएगा। कि पूरा प्रोसेस करीबन 1/2 घंटे का प्रोसेस है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी अभी मिल्क नहीं है इसमें। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 10 से 12 स्पून शुगर। तो शुगर डालने के बाद इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए। तो इसे भी आपको तब तक स्टर करना होगा जब तक कि यह गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इस तरीके से मिक्स करते रहिए। जैसे जैसे आप मिक्स करते रहेंगे, जो गाजर का कलर है वो भी बहुत ही डार्क ऑरेंज में चेंज हो जाएगा और आप देख सकते हैं हल्का सा लिक्विडी सा है। तो ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे स्टर करते रहेंगे वो बहुत ही अच्छे से गाढ़ा बन जाएगा। तो ये करीबन लास्ट क्लिपिंग मैंने आपको दिखाई है। तो यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा बन के तैयार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, किसी को बताना हो तो, और कमेंट कीजिए कोई डाउट हो तो। और आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।